किस एक आदत का त्याग करो तो सब गुण स्वतः आते जाएंगे, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सारे गुण आप में अपने आप आते जाएंगे। एक आदत का त्याग कर दो, वो कौन सी आदत है? आधा कल्प से दे अभिमान में आने की आदत जो पक्की हो गई है, अब इस आदत का त्याग करो। शिव बाबा जो मोस्ट बिलवेड है उसे याद करो, मतलब उसका कहना मानो। कोई भी देहधारी का कहना नहीं मानना, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना, तब सब क्वालिफिकेशन आ जाएगी, तब सारे गुण आपके जीवन में आ जाएंगे। डिफेक्ट निकल जाएगा, जो टेढ़ापन आपके अंदर आ गया है, जो दाग आपके जीवन में आ गए हैं, जो विकर्म आपके जीवन में आ गए हैं, वो सारे के सारे निकल जाएंगे। आत्मा पवित्रता का सागर बन जाएगी, नदी नहीं, सागर। हाँ, तभी बनेगी ना, ऐसे तो नहीं ना कि खाली हम अपने को चेंज ही ना करें। जब हम आत्मा समझेंगे तो, एक ही तो बात कही है सिर्फ, इतनी सी बात नहीं मान सकते। बाबा क्या कह रहा है और हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, ये भी नोट करें। हम अपने आप को क्या कह रहे हैं इस समय, इस बात को सुनते हुए हम अपने आप से क्या कह रहे हैं, बाबा तो कहता रहता है क्या करे, हो थोड़ा सकता है। इस बात को मानना कोई मासी का घर है, बड़े बड़े नहीं मान सके, हम क्या माने, पक्का कर दिया आपने, सुधरना नहीं है, पक्का कर दिया, बाबा कह रहा है और हम चिकना गड़ा बन रहे हैं, मतलब तेल लगा रहे हैं, बूंद टिकनी नहीं चाहिए ऊपर। ये बात, मतलब तेल को लगाना नहीं, ये बात हमें बहुत अच्छी तरह से नोट करनी है कि ये समझने में ही मेरा कल्याण है। सब गुण स्वतः आते जाएंगे अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।